नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जो भाई बहन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मैंने कल परसों की वीडियो में बोला था ना, और शायद मैंने टाइटल भी कुछ ऐसा डाला था कि प्लीज़ आप सभी अगर हो सके तो अपना राय हमें दे सकते हैं वीडियो में कि कैसे मैं वीडियो डालूं। तो दो तीन भाई बहनों ने मुझे बताया था कि वीडियो में वॉइस ओवर सब कुछ ठीक है, और पहले मैं सामने से बात किया करती थी ना, कैमरे में वॉइस ओवर नहीं किया करती थी। तो मैंने बताया इस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में, तो मैंने बताया ही था कि अभी गर्मी का सीज़न है तो ऊपर ना पंखे चलते रहते हैं, तो पंखे की वजह से आवाज़ ना बहुत खरखराहट आती रहती है, तो आवाज़ सफ़ी नहीं आती है। और दूसरा जो एक और दिक्कत है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ना सब लोग घर पे रहते हैं, तो घर के बाहर हमारा जो बाहर, कल मैं बाबू को लेके कल की वीडियो में बैठी थी बाहर, आप लोगों ने देखा ना, तो वहाँ उस समय कोई नहीं था तभी मैं वहाँ बैठी थी। लॉकडाउन होने की वजह से घर के और मोहल्ले के कई सारे जेंट्स लोग बाहर नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर बैठते हैं घर के बाहर ही, तो वहाँ से ना सब लोग, मैं जब बातें करती हूँ आप सभी से तो दूर तक सुनाई देता है, तो इसी डर की वजह से मैं सामने से बातें नहीं करती हूँ। और वो लोग ना बैठे ही रह जाते हैं पूरा पूरा दिन, बड़े बड़े लोग, मतलब बुज़ुर्ग लोग हैं, और ऐसे कुछ मेरे जो ससुर लगते हैं, चाचा लगते हैं, इस तरह के लोग बैठे रहते हैं, तो मैं उन लोगों के सामने ऐसे बोल नहीं सकती, और बोलती हूँ तो आवाज़ दूर तक जाती है, तो अच्छा नहीं लगता है, उन लोगों को सुनाई देगा कि मैं चरचरा रही हूँ, तो उन लोगों के कानों तक मेरी आवाज़ जाएगी, तो फिर वो लोग ना बोलेंगे कि इसको ज़रा सा भी अकल नहीं है, इतना ज़ोर ज़ोर बोल रही है। इसी डर की वजह से मैं वीडियो में ना वॉइस ओवर करती हूँ। तो आप लोगों ने मुझे, और हाँ एक जन ने कहा था कि आप ना वो क्या बोलते हैं, आप हाउस टूर करवाइए, तो मैं बहुत जल्दी करवाऊंगी। सच बता रही हूँ आप लोगों को, मैं बहुत दिनों से हाउस टूर करवाना चाहती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसी वजह से नहीं करवा पा रही हूँ। घर के सामने एक चाचा जी हैं, वो 24 घंटे उनका घर के सामने जो दलान दिख रहा है ना, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कल की वीडियो में, घर के सामने ही उनका बरामदा बना है, मेरे घर के सामने बस 20 में सड़क है, और उनका घर मेरा घर सामने सामने है, तो इसी की वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ, अपना घर नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर से होते हुए अंदर आना चाहती हूँ तो मैं आप लोगों से बातें करते हुए आना चाहती हूँ, और वो ना 24 घंटे घर के सामने रहते हैं, और उनका घर ही सामने है, तो वो भी क्या कर सकते हैं, तो इसी की वजह से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे भी मन में यही चल रहा है कई दिनों से, कई दिन क्या महीनों हो गए हैं, मुझे हाउस टूर करवाना है, लेकिन करा ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि भले ही मुझे वॉइस ओवर करना पड़े, लेकिन मैं घर अपना पूरा आप सभी को दिखाऊंगी। तो बातें मैंने बहुत सारी कर ली है। यहाँ पे जो मैंने अभी ड्रम धुल रही थी ना, ये मेरे आटा रखने वाला ड्रम है, मैंने आटा बनाकर चक्की पे पहुंचा दिया, तो वो पीस कर आ भी गया है, तो ये बहुत गंदा हो गया था, मैंने इसे शायद 1-1.5 महीने हो गए धुले ही नहीं थे, तो मैंने सोचा आज इसको साफ़ कर लेती हूँ। और इस तरीके के जो स्टील के ड्रम, हम लोग तो ड्रम ही बोलते हैं, ये ना अंदर से टेढ़ा था, तो चढ़ के मैं इसे सीधा कर रही थी, तो इसको हम लोग ड्रम ही बोलते हैं। और पीछे देखिए जो बाथरूम में दो रखे हैं ना, वो उन दोनों को भी मुझे साफ़ करना है। ये सब मेरे शादी के हैं, मुझे बहुत सारे बर्तन शादी में मिले थे, इस तरीके कि ड्रम ना मेरे शादी में कम से कम 10-12 मिले थे, मुझे बहुत सारे सामान मिले थे मुझे, मैं सब दिखाती रहूँगी आप लोगों को एक एक करके। कुछ चीज़ें बेकार हो गई हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो इस तरीके की चीज़ें तो अभी नहीं बेकार हो सकती हैं, लेकिन जो जो चीज़ें बेकार हो गई हैं, तो मेरे पास घर भी नहीं था, इसी की वजह से मम्मी पापा का दिया हुआ बहुत सारी चीज़ मेरी बर्बाद हो गई है, मैं किसी चीज़ का शौक नहीं कर पाई हूँ अपनी शादी की चीज़ों का। और मैं ना बाथरूम में ट्राईपॉड लेके बैठी हुई थी, तो मुझसे, मैं देख रही थी बाहर कोई है तो नहीं तो मैं ट्राईपॉड लेके जाऊँ तो मुझ पर सब हंसने लगेंगे, तो इसीलिए मैं पहले झांक रही थी, जब मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं ट्राईपॉड बाथरूम से लेके अंदर आ गई। और अभी मैं इसको, ड्रम को मैंने खूब अच्छे से सुखवा लिया है, और मैं इसमें भर रही हूँ आटा। और मेरा ट्राईपॉड पिछले कई दिनों से बेकार है, जब मैं मायके गई थी ना दूसरी बार तभी से बेकार हो गया है, वो ना जब मैं चूल्हे पे कुछ बना रही थी तो चूल्हे के पास मैंने ट्राईपॉड को रख दिया, तो उसी की वजह से मैंने ध्यान नहीं दिया, ट्राईपॉड जहाँ मोबाइल को फंसाते हैं ना वहाँ से वो बेकार हो गया है। और अभी मुझे ट्राईपॉड मंगवाना है, और
मैं मंगवा भी नहीं पा रही हूँ, और जब कैमरे को लगाती हूँ ना ट्राइपॉड में, मुझे मेरा ध्यान वही रहता है कि कहीं मोबाइल गिर तो नहीं रहा है। मुझे डर लगता रहता है कि कहीं मोबाइल गिर ना जाए, तो मुझे मंगवाना है ट्राइपॉड। लेकिन माही के पापा से अभी मैंने बोला ही नहीं, क्या बोलूँ, बोलूँगी जब मुझे लगेगा कि अभी मंगवा लूँगी तब मैं बोलूँगी, अभी मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा है। जब बिगड़ गया ना थोड़ा सा, जब मोबाइल मेरा नहीं अटक रहा था, फंस नहीं रहा था ना उसमें ट्राईपोर्ट में, तब मैंने उन्हीं से बनवाया है कि इसको बना दीजिए किसी तरीके से, काम चलाऊँ हो जाए फिर मंगवाऊँगी, जब हो जाएगा पैसे तो मैं मंगवा लूँगी, अभी तो नहीं मंगवा पाऊँगी। तो उन्होंने ना बना दिया था जो कपड़े के साथ वो आती है चिकनी चिकनी सी पन्नी मिलती है ना, वही पन्नी मैंने ट्राईपॉड में लगा के इनसे बनवा लिया था। तो अभी फिर भी डर है कि कहीं गिर ना जाए, लेकिन अभी मैं थोड़ा दूर रखती हूँ, जब खाना बनाती हूँ ना कुछ दिखाती हूँ तो मैं दूर रखती हूँ, कहीं मेरा फ़ोन ना गिर जाए, नहीं तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। ट्राईपॉड तो फिलहाल आ जाएगा, लेकिन अगर एक बार मेरा फ़ोन बिगड़ गया ना तो फिर मुझे मिल भी नहीं पाएगा, तो फिर मैं ऐसे ही रह जाऊँगी। इसीलिए ना मैं कैमरे को जब लगाती हूँ ना तो झांकती रहती हूँ, कहीं गिर तो नहीं रहा है, कहीं गिर तो नहीं रहा है, मेरी जान अटकी रहती है मोबाइल में। और हम दोनों माँ बेटी खा रहे थे बेल, हमको ललचवा रही थी माही, वो दोनों नहीं है, मानसी और नैन्सी बाहर खेल रही हैं, तो ये ना मुझे ललचवा रही थी। ये बेल ना इनकी माही की बुआ के यहाँ से आया था, और इनके बाबा गए थे वहाँ घूमने के लिए माही के बुआ के यहाँ, उनके यहाँ पेड़ है तो उन्होंने भिजवाया था, तो माही के बाबा ने माही को दिया था, तो ये लेके आई थी दो, एक हम दोनों खा रहे थे। और ये लोग ना खा नहीं पाई हैं, बस फोड़ के ना उसको बस इधर उधर कर रही थी, थोड़ा बहुत खाई है, थोड़ा बहुत मैं भी खाई हूँ, बाकी इसके अंदर का जो रहता है ना पूरा फेंका गया है। दो लेके आई थी, एक फेंक दी है, ये लोग खाई नहीं है पूरा, एक अभी वैसा का वैसा रखा है। मैंने इन लोगों को फोड़ने नहीं दिया है कि फोड़ो मत नहीं फेंक दोगी, अभी इनके पापा ने नहीं खाया है। जब गर्मी ज़्यादा होती है ना तो शरबत बना के पी लेते हैं, लेकिन अभी मौसम ठंडा है, बारिश हो रही है हमारे यहाँ, तो इसीलिए अभी पी भी नहीं सकते हैं शरबत बना के। और अब मैंने आज करेले की मरकल बनाऊंगी, और जो तो करेले का हल्का हल्का छिलका निकाल के मैंने इसको रख दिया है उबलने के लिए। यहाँ मैंने लिया है जीरा, मेथी और है कलौंजी और धनिया है, और इसमें सौंफ भी है। धनिया आपको काली काली दिख रही होगी ना, धनिया को मैंने भुना हुआ है पहले से। तो अब हम इन सब मसालों को पीस लेते हैं। उधर मैंने कच्चा आम और प्याज, लहसुन, मिर्ची रखी है, उसको भी पीस लेते हैं। तो मसाले को मैंने पीस लिया है, और करेले को ना हल्का हल्का सा उबालना है, इसको बिल्कुल सब्जी की तरह नहीं पकाना है। तो हो गया है मैंने देखा, तो इनको निकाल लेती हूँ। और इधर कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है सरसों का, और जो मसाला मैंने पीसा था ना उसी को भून रही हूँ। उसमें ना मेथी और जीरा और कलौंजी ली थी मैंने, थोड़ी सी जवाइन भी ली थी मैंने उसमें, तो उन सब चीज़ों को, जो धनिया था उसको तो मैंने भूंजा था, और कलौंजी भूंजी थी मैंने, और सौंफ भूंजा था, जवाइन, जीरा और मेथी मैंने नहीं भूना था। तो इन सब को क्या करूँगी, थोड़ा सा तेल डाल के खूब देर तक अच्छे से इसको पकाऊँगी। वैसे आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ, लेकिन ये मसाला भूनने में ना मुझे बहुत टाइम लगा था। मसाला के बाद मैंने इसमें डाल दिया था जो प्याज, लहसुन, मिर्ची और कच्चा आम मैंने एक लिया था, उन सबको भी डालकर मैंने बहुत अच्छे से भून के, और अब नमक डाल के मिला ले रही हूँ। तो देखिए करेले को क्या करना है, चाकू से बीज से इस तरीके से फाड़ देना है और इसका बीज निकाल देना है। अगर आपको पसंद है तो आप नहीं भी निकाल सकते हैं, नहीं तो निकाल लेंगे। और इसका जो बीज है इसको फेंकूँगी नहीं, अभी आप लोग देखना मैं क्या करूँगी। तो सब करेले को मैंने मसाला अच्छे से भर लिया है, भरने के बाद तेल डालकर मैंने इसमें रख दिया है। प्याज मैंने पहले ही से अलग से काट कर रखा था, तो ऊपर से प्याज भी डाल दूंगी, और अब इस तरीके से हल्का हल्का पलट दूंगी। और बाद में जो बीज मैंने रखे थे ना उसको मैंने इसी में डाल दिए हैं, बस अब इसी तरीके से अलट पलट के अच्छे से करेले की सब्जी को बना लेनी है, और बहुत अच्छा लगेगा। एक बार आप बनाइएगा, बच्चे भी खाएंगे इसको अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो। थोड़ा सा लास्ट में चिपक गया था, मैं भूल गई थी कुछ करने लगी थी।